सर, ये फर्जी पट्टे के मामले में क्या क्या मामला था सर? ये वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था 176/18 जी, जिसमें अब मैं यहाँ पदस्थापित आया, मेरे को पत्रावली मिली थी जी। मैंने अनुसंधान शुरू किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, तो फर्जकारी करने वालों ने किसी भूखंड, जो जमीनधारी थे, जमीन खातेदार थे, गुलाब रसूल व सोवराती बसीर खां चार पांच भाई थे, उन्होंने दुल्हन मैरिज गार्डन के पास में अपनी ज़मीन में से भूखंड बना करके बेचे थे, और जिन्होंने भूखंड लिए थे उनको इकरारनामे पे इकरारनामे लिख दिए थे। इकरारनामा 5756/18 उन्होंने बेचान किया, उसकी इन लोगों द्वारा फर्जकारी करके उसकी फोटो कॉपी करा करके उस पे उस व्यक्ति का जिसको मूल बेचान किया गया था उसके बदले में हरि सिंह सनोप रतन सिंह जाति गुजर निवासी मिर्जापुर के नाम से उसको तैयार कर लिया इकरारनामा को। हरि सिंह सनोप रतन सिंह गुजर से खरीद कर महेश सनोप मांगेराम के नाम से दूसरा इकरारनामा तैयार किया गया। महेश सनोप मांगेराम जाति खन्ना निवासी मिर्जापुर के नाम से पट्टा बनवाया गया नगर परिषद गंगापुर सिटी से। नगर परिषद गंगापुर सिटी, जो पहले तो ये सुरेश मावर जी हैं, ये माँ इस उस सीट को धारित कर रहे थे, उस सीट पर पत्रावली तैयार करते थे उसको, जो पहले तो, सर गंगापुर सिटी में नगर परिषद पर कार्यरत थे सुरेश जी मावर, हाँ, जो अब तक अब वहाँ पे लग रहे हैं नगर परिषद जो कार्यरत है जी। और उसके बाद में इस पत्रावली पे पुलिस ने काफ़ी तलाश की गई थी, मनुष्य महेश सनोप मांगेराम खन्ना की, जो आज तक नहीं मिला है। हमने पार्षदों से पूछ लिया, मैंने लिखित में ले लिया, BLM से मालूम करवा ली, राशन डीलरों से मालूम करवा ली, और काफ़ी उसका जो अपील के लिए पत्रावली चल रही है संभागीय आयुक्त में, वहाँ भी मैं संपर्क करके नहीं, मूल पत्रावली लेकर के उसके फ़ोटो वगैरह को, पत्रावली को लेकर के भी कई जगह मैंने दिखाया उसको, किसी का वो सामने नहीं होना पाया गया महेश सनोप मांगेराम को जी। उसके बाद में इसकी काफ़ी तलाश की गई, हमने इन लोगों से भी पूछताछ की गई थी, और उसमें तो पत्रावली तैयार करते समय उसका पहचान दस्तावेज मूल पत्रावली पर पट्टा बनाते टाइम नहीं लिया, जिससे उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई, न कोई अब पुलिस के सामने आ सका। उसके बाद में अब तक तलाश करते रहे, और ये फर्जकारी करके नहीं इन लोगों के खिलाफ जुर्म साबित माना है, और भी लोगों के बाद में अभी अनुसंधान जारी है, जैसी सूरत होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ 420 468 468 471 120 भी IPC का। अच्छा, इसमें जो दोनों जो लोग गिरफ्तार हुए, कौन कौन गिरफ्तार किया गया सर इसमें? इसमें एक तो हैं DP सिंह चौधरी हैं। क्या काम करते हैं ये? जो प्रॉपर्टी डीलर होंगे या प्रॉपर्टी का काम करते होंगे। DP चौधरी जो गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं, हाँ, जो सालोदा मोड़ पर। अच्छा, और दूसरे हैं सुरेश चंद महावर जी हैं, जो LDC माँ अब भी वहाँ लगे हुए हैं, गंगापुर सिटी में थे, और यहाँ सिटी थे। और ये भी हासिल इसलिए मिलती है कि ये हमारा सिरोधार्य नहीं है, हमारे तो भगवान राम जैसे बड़े भाई की इस तरह CI साहब के सिरोधारी हैं, क्योंकि हमें टाइम मिल गया उनके आदेश से तफ्तीश करने के लिए, टाइम मिल गया 420/67/68 की पत्रावलियों में समय चाहिए अनुसंधान करने के लिए, मेरे अधिकारी ने मुझको टाइम दे दिया, उनका ये श्रेय है जो इस मुकदमे में वहां तक मैं पहुंच गया। सिर्चन जी, ये कब से चल रहा है मामला, कब का है प्रकरण? वर्ष 2018 से चल रहा है। हाँ, और बाबा और वो पूर्व अधिकारी जो अनुसंधान अधिकारी थे उस तथ्य पर ये नहीं पहुंच पाए, मैं उस तथ्य पर पहुंच गया कि इकरारनामा फर्जी किस तरह इन लोगों ने तैयार किया और मूल किसके पास में, उसका भी तफ्तीश चल रही है, उसका भी हम मालूम। सर, अभी कुछ और निकल के आना बाकी है? संभावना से मैंने काफ़ी कोशिश करी, नगर परिषद गंगापुर सिटी में नहीं मेरे को कोई ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं दी थी, मैंने कई बार चिट्ठी लिखी थी रिकॉर्ड के लिए, और इस बारे में मैं अब दोबारा भी उनसे पूछूंगा, और वे टालम टोली करते रहे, लेकिन फिर भी मैं
उस मुद्दे तक पहुंच जाऊंगा कि मूल कौन से भूखंड के लिए वो इकरारनामा लिखा गया था 5756/18। कोतवाली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, फर्जी पट्टे के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे सीआई साहब जो हम भगवान लक्ष्मण की इसी तरह रह रहे हैं, दो और हमारे फर्जी पट्टे के मामले में कोतवाली पुलिस को मिली है कामयाबी। और सुरेश महावर दोस्तों, और ये भी सुनने में आया है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऐसा काम करते हैं, अच्छा किया गलत किया? बहुत ही शानदार कार्रवाई की गई है गंगापुर सिटी में ये, और बेहतर कार्य सुरेश महावर एक आपका सहयोग नामी नाम है, गंगापुर सिटी पब्लिक का सहयोग चाहा तो और भी मैं अच्छे अच्छे हमारे सीआई साहब का आशीर्वाद हुआ तो और भी अच्छे अच्छे जो भी हैं इन्होंने फर्जकारी करी है उसमें भी हम कार्रवाई इसमें हासिल करेंगे। उसमें नगर परिषद में पहली बार एक कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कोतवाली पुलिस को। और एसआई साहब बता रहे हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया है, सुरेश महावर और जीपी सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया है। और बहुत दिनों से फर्जी पट्टे का प्रकरण का मामला गंगापुर सिटी में चल रहा था और बहुत कोतवाली पुलिस को कामयाबी मिली है इसमें। और सुरेश महावर जो गंगापुर सिटी नगर परिषद में पहले कार्यरत था, अब सवाई माधोपुर में कार्य कर रहे थे वो, और डीपी चौधरी को भी गिरफ्तार किया है इसमें। और सुरेश महावर